अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नानोज बेकिंग सीक्रेट्स। तो आज हम चिकन डोनट्स बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पैन के अंदर 1 कप दूध, 2 चम्मच चीनी और 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब मैं 1 अंडा डालूंगी इसमें। ये सब डाल के मैं इनको विस्क की मदद से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें यीस्ट डालूंगी, 2 टीस्पून यीस्ट डालूंगी। मेरा दूध थोड़ा नीम गर्म था, ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी यीस्ट की एक्टिविटी वो किल कर देता है। अब बस नीम गर्म दूध के अंदर मैंने सारी चीज़ें डाली और फिर एंड पे यीस्ट डाल दिया और इसको मिक्स करके मैं ढक्कन दे दूँगी ताकि यीस्ट की प्रूफिंग हो जाए। अब मैं अलहदा बोल के अंदर 3 कप मैदा ले रही हूँ। 3 कप मैदा मैंने छान के डाला है इसमें सारा। अब मैं इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डालूंगी, 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको मैंने विस्क की मदद से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद मैंने जो सारा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हुए थे उसकी प्रूफिंग हो गई थी, तो मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया है। जो दूध और अंडे वाला मिक्सचर था वो सारा इसमें डाल दिया है। आपकी सॉफ्ट डो होनी चाहिए, सॉफ्ट डो होगी तो ही मज़ा आएगा इसका। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि आप मशीन से इसको गूंदें, आप हाथों से बहुत आराम से गूंद सकते हैं और बहुत इजीली 3 कप मैदे की डो हाथों से गूंदी जाती है। मेरे पास पड़ी हुई थी तो फिर मैंने इसी में गूंद लिया। अभी ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं थोड़ी चिपचिपी है। अब मैं मैदा थोड़ा सा मैंने काउंटर पर डाला है और इसको हाथों से अब मैं थोड़ा सा गूंदूंगी। ज़्यादा बिल्कुल नहीं गूंदना, ज़्यादा गूंदने से वो उसका फ्लेवर डो का बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा और मज़े की नहीं बनेगी। फिर हमारे चिकन डोनट्स के अंदर ना फिर फ्लेवर नहीं आएगा। सॉफ्ट डो होनी चाहिए, ज़्यादा मैदा भी नहीं डालना, ये ना फिर सख्त हो जाए आपकी। आप देख सकते हैं मैंने गूंद लिया है, मेरी कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है पूरी। इसको फिर मैं अपने बोल के अंदर डाल लूंगी। इसके ऊपर मैंने देखे इसको बोल के अंदर डाल लिया है, ऑयल लगा लिया है इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, और फिर मैंने इसको क्लिंग से रैप कर दिया है इसको ऊपर से। और मैं इसको कम से कम आपने 2 से 3 घंटे देने हैं। गर्मी का मौसम है, 1.5 घंटे में भी हो जाता है वैसे, लेकिन 2 घंटे आप मिनिमम उसको दें। अब मैंने एक ब्रेस्ट ली थी चिकन ब्रेस्ट, उसको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ था और अब मैंने पैन तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाला था, 2-3 चम्मच ऑयल तकरीबन, उसको मैंने चिकन को उसमें फ्राई करूंगी ताकि गल जाए। तब तक फ्राई करूंगी जब तक गलता नहीं है। अब मैं सब्जियां डालूंगी, 1 शिमला मिर्च और एक बड़ी शिमला मिर्च और 1 बड़ा प्याज, दोनों मैंने डाइस किए हुए थे और उनको मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं उनको सब्जियों को स्टेयर फ्राई कर रही हूँ चिकन के साथ। अब मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर है वो डाल दिया है। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालूंगी, साथ में इसके अंदर 2 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस। ये मेरी होममेड बारबेक्यू सॉस है जिसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, आप ये बना के रख लें, आपकी बहुत की रेसिपीज में ये यूज होगी। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून पेरी पेरी सॉस डाल रही हूँ। पेरी पेरी सॉस नहीं है अगर आपके पास तो फिर आप 1/2 टीस्पून रेड चिली भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून केचप भी डाली है। अब इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डालूंगी और ये सब डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मेरे चिकन में फ्लेवर आ चुके। अब मैंने 1/4 कप पानी डाला है इसमें। अब मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था जिसको 1 टीस्पून पानी के साथ मैंने डिसॉल्व कर लिया है और वो मैंने इसमें डाल दिया है। हमारी ना इस तरह फिर ज़रा सॉसी सा चिकन बन जाएगा, बहुत फ्लेवरफुल रहेगा, ड्राई नहीं रहेगा, ड्राई का मज़ा नहीं आता, इस तरह ये ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे मैदे की डो किस तरीके से फूल गई हुई है। अब मैं इसको पंच डाउन किया है ताकि उसकी एयर सारी अब मैं इससे बाहर निकाल लेती हूँ।
हमारी डो की प्रूफिंग हो गई भी थी। अब मैं डो को बेलूंगी। बेल के अब हम उसकी चिकन डोनट्स का लास्ट स्टेप जो कि इसके फॉर्मेशन का है वो आ गया है। अब मैंने उसके दो हिस्से कर लिए थे, एक जरा बड़ी हो जानी थी इस वजह से। मैं इसको बेल के फिर इसके सर्कल्स काटूंगी। ये डो बहुत अच्छी बनती है, बहुत कम ऑयल चूसती है और ये बहुत जल्दी फ्राई अप भी हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगी फ्रायर में, यानी कि इतनी आप कहते हैं ना जो डोज होती हैं डोनट्स की जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल लेती हैं तो बहुत फैटनिंग हो जाती हैं वो, ये इतनी ऐसी नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बनेगी। अब देखिए मैंने कटर से इसके सर्कल्स काट लिए हैं। आप साइज अपने मुताबिक डोनट का थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक कट किए हैं। अब मैं इसमें फिलिंग डाल रही हूँ, क्योंकि घर के डोनट्स है तो फिर ऑब्वियसली फिलिंग अच्छी सी होगी तो मज़ा आएगा ना। अब मैंने देखिए इसको अच्छे तरीके से भर के 1 टेबल स्पून मैंने उसकी फिलिंग कर दी है चिकन की। बाजार के डोनट्स वगैरह के अंदर या फिर अगर बाजार की कोई भी चिकन ब्रेड होती है इतनी कम उन्होंने डाली होती है उसका मजा ही नहीं आता। अब आप देखिए मैं साइडों से इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ के ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी डो को लिफ्ट अप किया और साथ साथ जोड़ दिए और फिर इस तरीके से मेरी फिलिंग अंदर सील अप हो गई है। इसको मैंने बॉल की फॉर्म में शेप दी अपने हाथों में गोल, थोड़ा सॉफ्ट हैंडेडली मैंने इसको हैंडल किया है। अभी दूसरा मैं डोनट आपको शेप करते हुए दिखा रही हूँ। एक एक करके आपने कॉर्नर्स पकड़े, उनको इकट्ठे किया, उनको ट्विस्ट कर दिया और फिर आपने उसको बॉल की शेप में प्रेस कर दिया। इस तरीके से हमारे चिकन डोनट्स तैयार हो गए हैं। आपने 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ना है बाहर इन्हें, इनकी सेकेंड प्रूफिंग होगी और 15 मिनट के बाद मैंने इनको फ्राई करने में डाल दी है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत जल्दी 3 से 4 मिनट में आपके फ्राई हो जाते हैं। और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते ये। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर आया है इनके ऊपर। तो अब आप इनको निकालें और इनको चाय के साथ किसी भी तरह टी टाइम में इंजॉय करें आप इसे। अल्लाह हाफिज़।